देखिए, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 देख रहे हैं। ठीक है, क्या कहता है इस प्रकार से देखिए, एक टर्सरी फोर चौथे पोजीशन पर 1 2 3 4 चेयर फॉर्म दे रखा है। ठीक है, ये इस तरह से है कुछ, मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। ऐसा साइक्लोहेक्सेन है और यहाँ पर तो लगा हुआ है आयोडीन और यहाँ पर दिया हुआ है वही टर्सरी ब्यूटाइल साइक्लोहेक्साइल करके दिया हुआ है। ठीक है, टर्सरी ब्यूटाइल दिया हुआ है ये ठीक। खैर, तो उसी का चेयर फॉर्म बनाया हुआ है। अब चेयर फॉर्म में अब आपको पता होगा, जैसे देखिए यहाँ पर ये आयोडीन जो है ये कहाँ पर है, ये देखिए एक्जियल है, ये इक्विटोरियल है, और यहाँ पर भी देखिए ये जो टर्सरी ब्यूटाइल है ये कहाँ पर लगा हुआ है, टर्सरी ब्यूटाइल लगा हुआ है इक्विटोरियल पर। एक्जियल पर कौन सा है, एक्जियल पर हाइड्रोजन है। ठीक है, तो अगर हम आयोडीन और टर्सरी ब्यूटाइल की बात करें, ठीक है, तो इसमें जो है ये है इक्विटोरियल पर और ये भी है इक्विटोरियल पर, तो हम बोल सकते हैं ई ई पोजीशन पर ये दोनों ग्रुप लगे हुए हैं। और इस वाले में ऑप्शन नंबर बी में अगर बात किया जाए तो यहाँ पर देखिए ये तो है इक्विटोरियल पर और ये है एक्जियल पर, तो इसका मतलब ई ए पोजिशन पर लगा हुआ है। ठीक है, अब आपको पता होगा एक बात कि साइक्लोहेक्सेन का जब भी दो चेयर फॉर्म दे दे, ठीक है, जब भी दो चेयर फॉर्म दे दे और उस चेयर फॉर्म में जनरली पूछा जाता है अपने जीओसी वगैरह आइसोमेरिज्म में पढ़ा होगा, एमएस चौहान में खुद ही बहुत सारे प्रॉब्लम दे रखे हैं, तो उसमें स्टेबिलिटी जनरली पूछ लिया जाता है। तो इसका देखिए एक ट्रिक होता है कि जब भी दो चेयर फॉर्म दिया हुआ हो और उसमें ग्रुप लगे हुए, देखिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को आप नेग्लेक्ट कीजिए, तो हाइड्रोजन के अलावा यहाँ पर दो ग्रुप लगा हुआ है, एक आयोडीन है और एक ये टर्सरी, और दोनों बड़ा बड़ा ग्रुप है। ठीक है, तो जब भी दो लगे हुए ग्रुप इक्विटोरियल पोजिशन पर हो ना, तो वो इक्विटोरियल वाले ज्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक है, वो इक्विटोरियल वाले क्या होते हैं, ज्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक है, और एक एक्जियल इक्विटोरियल पर है तो इसके रिस्पेक्ट में इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो सबसे पहला नंबर तो बात तो ये है कि जैसे मान लीजिए अगर ए और बी में बात किया जाए स्टेबिलिटी को लेकर, तो ए ज्यादा स्टेबल है और बी थोड़ा कम स्टेबल है। ठीक है, अब चूंकि ये कम स्टेबल है भाई, जो ज्यादा, अब जैसे मान लीजिए अब इसके ऊपर जो है SN2 अटैक होने वाला है, किसके द्वारा, तो I27 दे रखा है, I128 के द्वारा यहाँ पर जो है SN2 अटैक होने वाला है। ठीक है, अब SN2 अटैक होगा तो I27 जो है, SN2 में क्या होता है, SN2 में आपको पता है कि एक प्रकार से इन्वर्जन प्रोडक्ट बनता है, बैक अटैक होता है। ठीक है, तो अगर ये इक्विटोरियल पर दिया गया है तो इसका मतलब एक्जियल की तरफ से, इक्विटोरियल का मतलब प्लेन के नीचे है और एक्जियल का मतलब प्लेन के ऊपर है। ठीक है, तो अगर ये प्लेन के नीचे है तो इसका मतलब ये I28 जो है प्लेन के ऊपर से अटैक करेगा। ठीक है, और इसमें जो है प्लेन के ऊपर है तो प्लेन के नीचे से I21 28 का अटैक होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहला नंबर तो क्या है कि ए की स्टेबिलिटी ज्यादा है और बी की स्टेबिलिटी कम है, तो जो ज्यादा स्टेबल है भाई वो अपने बॉन्ड को क्यों मतलब तोड़ना चाहेगा। कहने का मतलब है कि अगर उसके ऊपर I128 का अटैक होता है तो ऑब्वियस सी बात है ये आयोडीन ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर जाने का मतलब यह है कि पहले तो ई ई है ये, और बाद में जाकर ये क्या बन जाएगा, बाद में जाकर ये ई ए बनेगा। ई का मतलब यहाँ पर देखिए इक्वेटोरियल पर और इधर से एक्जियल पर आ जाएगा, तो हम जानते हैं कि ई ई की स्टेबिलिटी जो है ई ए के रिस्पेक्ट में ज्यादा होती है। ठीक है, जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए ई ए है, ई ए का मतलब लेस स्टेबल है, और जब इसके ऊपर बैक अटैक होगा तो जहां पर हाइड्रोजन लगा हुआ है मतलब प्लेन के नीचे से I128 आ जाएगा। ठीक है, तो वैसी स्थिति में ई ए से ये बन जाएगा, ई ई में बदल जाएगा। ठीक है, तो आज जैसा कि मैंने आपको एक ट्रिक बताया कि जब भी दो ग्रुप साइक्लोहेक्सेन के चेयर फॉर्म में, जब भी दो ग्रुप इक्विटोरियल पोजिशन पर होते हैं तो उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। तो यही कारण है कि जैसे देखिए यहाँ पर कहता है कि से बताइए कि विच ऑफ द टू स्टीरियो आइसोमर ये दिया हुआ है विल अंडरगो SN2 सब्स्टिट्यूशन विद फास्टर। ठीक है, दोनों में से फास्टर कौन करेगा भाई, तो ये पहले स्टेबल था और बाद में अनस्टेबल हो रहा है, और ये पहले लेस स्टेबल था बाद में स्टेबिलिटी ले रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए कोई भी मॉलिक्यूल्स कुछ भी कर सकता है। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर डी में यही लिखा हुआ है
बी विल रिएक्ट फास्टर बिकॉज इट इज लेस स्टेबल देन ए, समझ गए बात को। और जो जो भी बात मैंने बताया वो सारे ऑप्शन में लिखे हुए हैं, यहाँ लिखा हुआ है देखिए, बी विल रिएक्ट फास्टर बिकॉज इट इज लेस स्टेबल देन ए एंड इन द ट्रांजिशन स्टेट, इन द ट्रांजिशन स्टेट बोथ द रिएक्शन इज ऑफ द सेम एनर्जी। ट्रांजिशन स्टेट की बात करें तो क्या होता है, जैसे अगर आप कार्बन आयंस में बात करें तो यहाँ पर इस तरह, जैसे मान लीजिए कोई हैलोजन है तो ये बाहर चला जाता है, ठीक है, और जो है इधर से कोई एक न्यूक्लियोफाइल आता रहता है, ठीक है, तो ट्रांजिशन स्टेट में ऐसा ही तो होगा ना, I-27 यहाँ से जा रहा होगा और I-128 का अटैक हो रहा होगा, मतलब वो जुड़ने का कोशिश, मतलब एक तरफ बॉन्ड ब्रेकिंग का प्रोसेस चल रहा होगा और एक तरफ बॉन्ड फॉर्मेशन का प्रोसेस चल रहा होगा, और इसमें भी वही चल रहा होगा, एक तरफ I-127 का ब्रेकिंग चल रहा होगा और दूसरी तरफ जो है I-128 इधर से अटैक कर रहा होगा, समझ गए बात को। तो कहता है कि ट्रांजिशन स्टेट फॉर बोथ द रिएक्शन इज ऑफ द सेम एनर्जी लेवल, सेम एनर्जी लेवल का मतलब कि दोनों में सेम टाइप से होने वाला है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। इसमें मैंने एक दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट बात बताया है, आपको इसको ध्यान में रखना चाहिए, आपको पता भी होगा, और इस चीज का उपयोग आप जो है आइसोमेरिज्म वाले चैप्टर में भी कर सकते हो। जनरली बच्चों को चेयर फॉर्म में दिक्कत होती है, तो चेयर फॉर्म के लिए मैंने आपको कुछ ट्रिक बताए हैं, आप उसको यूज करके स्टेबिलिटी पता कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।